सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। पावर सिस्टम का मॉड्यूल हम डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर है उसको दोनों एंड से अगर फेड किया जाए, वोल्टेज फीडिंग किया जाए, तो उसमें करंट कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती है, वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाकर वो देख लीजिए, इसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कीजिए और उसके बाद इस वीडियो पे आइए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जो है रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके बारे में पूरा थियरी हमने पहले देख चुका है, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो करंट यहाँ पे फ्लो होने वाला है उसका कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, करंट फ्लो की वजह से जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस पूरे सेक्शन में हम मल्टीपल एग्जाम्पल्स लेंगे सो देट कि आपका पूरा जो कवरेज है एग्जाम परस्पेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट हो और आपको पूरा लर्निंग मिले रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट दिस वीडियो। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। अब आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं सारे स्टडी मटेरियल, वीडियो लिंक्स वगैरह सब डालता रहता हूँ। एट द सेम टाइम आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट डालता रहता हूँ जो कि रिलेटेड टू इंजीनियरिंग है। तो वहाँ पे आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो प्लीज़ वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगर आप लिंक्डइन पे हो तो वहाँ पे भी मैं अवेलेबल हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स, ओवर हियर आई एम कनेक्टेड ऑल द टाइम, सो यू कैन रीच आउट टू मी एट एनी टाइम। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डीएम मी आइदर ऑन द लिंक्डइन और ऑन द इंस्टाग्राम, आई विल बी डायरेक्टली रिप्लाइंग यू ओवर देयर। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ओवर हियर आई विल जस्ट गिव यू कि भाई रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर क्या है। तो रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटर ही है जिसको हम एक क्लोज लूप फॉर्म में अरेंज करके चल रहे हैं। तो मान लो कि ये मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको मैं क्लोज लूप मतलब कि राउंड राउंड करके वापस से उसी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, आगे गया, ये गया और वापस यहाँ पे सेम पॉइंट पे आ गया, राइट। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से घूम के वापस आ गया, ठीक है। तो एक क्लोज लूप है और उसी को हम क्या बुलाते हैं, रिंग डिस्ट्रीब्यूटर है। अब रिंग डिस्ट्रीब्यूटर का प्रिंसिपल एडवांटेज क्या है कि हम यहाँ पे अगर प्रॉपर नंबर ऑफ फीडिंग पॉइंट्स को चूज़ कर ले तो हमारा जो कॉपर यूज़ हो रहा है वो बहुत ही कम हो जाएगा, उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम मान लो कि कोई एक एरिया कंसिडर कर रहे हो, वहाँ पर हमने रिंग में डिस्ट्रीब्यूटर लगा दिया है, तो उसको हम अलग अलग पॉइंट से फीड करें। मान लो कि जैसे यहाँ पर तीन पॉइंट से हम फीड कर रहे हैं तो ये पूरे एरिया को प्रॉपर कवरेज देगा, एट द सेम टाइम यहाँ पे जो हमारा कॉपर यूज़ हो रहा है वो भी कम हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्राइमरी एडवांटेज है रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर का। अब हम आज के एग्जांपल के ऊपर डायरेक्टली चलते हैं क्योंकि ये पूरा थियरी हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, क्या डेटा हमको दिया गया है वो पहले फटाफट देख लेते हैं। हमको दिया गया है कि हमारे पास एक टू वायर डीसी रिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे पास टू वायर डीसी रिंग डिस्ट्रीब्यूटर है। अब आगे क्या दिया गया, आगे हमको दिया गया कि उसका जो लेंथ है वो है 300 मीटर और उसको 240 वोल्ट पे पॉइंट ए पे क्या किया गया, फीड किया गया है, ठीक है। तो मैं जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको उसी हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरा जो पॉइंट ए है, ठीक है, ये है मेरा पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए पे हम क्या दे रहे हैं, 240 वोल्ट पे उसे फीड कर रहे हैं। और जब हम फीड कर रहे हैं उसके बाद अब हम उसको आगे की इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं कि पॉइंट बी पे जो कि 150 मीटर है पॉइंट ए से, ठीक है। तो मैं अगर 150 मीटर कंसीडर करूँ क्योंकि हमारा रिंग डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो 300 मीटर का है, तो 150 मीटर उसका हाफ ऑफ द लेंथ होगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंट बी कंसीडर करके चल रहा हूँ, तो ये रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर जो मेरा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये कितने लेंथ का है, 150 मीटर लेंथ का है, ठीक है। चलो अब पॉइंट बी पे क्या किया गया है, पॉइंट बी पे 120 एम्पियर का लोड टैप किया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 120 एम्पियर का लोड जो है वो टैप कर लेता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया है, अब आगे दिया गया कि 8C जो कि 100 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब पॉइंट ए से ऑपोजिट डायरेक्शन हम ये पकड़ लेते हैं जो कि कुछ इस तरह से होगा। अब ये भी 150 मीटर होगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि ए से 100 मीटर पे है हमारा पॉइंट सी, तो वो मैं कहीं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये जो मेरा डिस्टेंस बन रहा है वो मैं मान रहा हूँ 100 मीटर। तो अब बाकी का जो ये बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस बचा है, ये डिस्टेंस फिर बच जाता है 50 मीटर। अब यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, क्योंकि ये जो मेरा यहाँ पे पाथ बना है,
ये पाथ बना है, ये बना है मेरा 150 मीटर का, तो ये पाथ भी मेरा जो बनेगा वो भी 150 मीटर का ही बनेगा। अब 100 मीटर डिस्टेंस हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो बाकी जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 50 मीटर का डिस्टेंस बचेगा। तो ये 50 मीटर किस तरह से आया, वो इस तरह से आया, समझ में आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया यहाँ पे, ये दिया गया कि 80 एम्पियर का जो लोड है वो टैप किया गया, कहाँ पे टैप किया गया, पॉइंट सी के ऊपर। तो यहाँ से मैं एक 80 एम्पियर का लोड जो है वो टैप कर देता हूँ। तो ये कुछ मेरा यहाँ पे रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर का स्ट्रक्चर बना है। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि आपको रेजिस्टेंस दिया गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 0.03 ओम, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 0.03 ओम पर 100 मीटर, पर 100 मीटर दिया गया है। लास्ट वीडियो में जब हम डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 1000 कर रहे थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये वहाँ पे कमेंट आ रहा था कि यहाँ पे डिवाइड बाय 100 क्यों कर रहे हैं, डिवाइड बाय 1000 क्यों कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, जो आपको एग्जांपल में दिया है उस हिसाब से आपको चलना है। अगर नहीं दिया है तो वहाँ पे हमने एज्यूम किया था कि रेजिस्टेंस जो है वो पर मीटर इतना हम लेके चल रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने रेजिस्टेंस का वैल्यू एज्यूम किया था और फिर पूरा एग्जांपल सोल्व किया था, राइट। पर यहाँ पे क्या है कि आपको ऑलरेडी एग्जांपल में रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया जो कि 0.03 ओम पर 100 मीटर, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे लेके आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि करंट हमें फाइंड करा इन ईच सेक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे सेक्शन कौन कौन से है, तो यहाँ पे सिंपल देख लो, आपका जो सेक्शन यहाँ पे बन रहा है, एक तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में बन रहा है, तो आपका एक सेक्शन बन रहा है यहाँ पे ए बी सेक्शन। दूसरा सेक्शन बन रहा है ए और सी के बीच में, ठीक है, ए और सी के बीच में यहाँ पे दूसरा सेक्शन बन रहा है। और तीसरा सेक्शन बन रहा है आपका बी और सी के बीच में। तो आपके यहाँ पे तीन सेक्शन बने, ए बी, ए सी और बी सी, और इन तीनों सेक्शन से जो करंट फ्लो के जा रहा है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब इस करंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको दो वैल्यू दी गई है, एक तो है आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है और दूसरा आपको ए पॉइंट पे कितना वोल्टेज है उसका वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो वैल्यू हमें दी गई है उसी से स्टार्ट करते हैं, जो कि डायरेक्ट वैल्यू हमको दी गई है वो है हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे आगे लेके चलता हूँ जो भी हमें डेटा दिया गया है। हमारा रेजिस्टेंस हमको दिया गया है, रेजिस्टेंस का वैल्यू जो हमें दिया गया है वो है 0.03 ओम पर 100 मीटर, ठीक है। अब मैं सभी सेक्शंस के रेजिस्टेंस इस वैल्यू से निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे सभी सेक्शंस का डिस्टेंस कितना है वो पता है। पर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो रेजिस्टेंस हमें दिया गया है, एज यू कैन सी कि ये सिंगल कंडक्टर का है, ये जो रेजिस्टेंस है वो सिंगल कंडक्टर का है, और हमारा जो रिंग डिस्ट्रीब्यूटर है वो टू वायर डीसी रिंग डिस्ट्रीब्यूटर है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस बनेगा फॉर रिंग डिस्ट्रीब्यूटर हमारा जो रेजिस्टेंस बनेगा वो इससे डबल हो जाएगा, दैट इज 2 × 0.03 पर 100 मीटर, ठीक है, ओहम पर 100 मीटर ये हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। अब मैं आ जाता हूँ ए बी सेक्शन के ऊपर कि भाई ए बी सेक्शन का रेजिस्टेंस क्या है। सो ए बी सेक्शन का रेजिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ आर ए बी है, जो कि हो जाएगा उसका लेंथ। तो उसका लेंथ कितना है, जैसे हमें दिया गया, दैट इज 150 मीटर इंटू हमारा 0.06 डिवाइड बाय 100। अब ये 0.06 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए हमारा जो रेजिस्टेंस बन गया है वो 0.06 पर 100 मीटर बन गया है, ठीक है। तो हमारी लेंथ 150 मीटर है और पर 100 मीटर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 0.06 है। तो 150 मीटर के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा 150 × 0.06 डिवाइड बाय 100। इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं, 150 × 0.06 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा कुछ 0.09 ओम। सिमिलरली अगर हम बात कर ले बी और सी सेक्शन के बीच में, जो कि हमारा है 50 मीटर लेंथ का, तो वो हो जाएगा 0.06 इंटू डिवाइड बाय 100 इंटू 50, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। तो ये कुछ आपका आप यहाँ पे आ जाएगा 6 × 5 हो जाएगा 0.03 ओम। एंड सिमिलरली हम बात कर लेंगे सी ए सेक्शन के बारे में, आर सी ए, जो कि है 100 मीटर का, तो 100 × 0.06 डिवाइड बाय 100 ये हमें डायरेक्टली दे देगा 0.06 ओम, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे सभी सेक्शंस के रेजिस्टेंस मिल गए हैं। अब इन सभी सेक्शन के रेजिस्टेंस से हम यहाँ पे एक सिंपल सा KVL लगाने वाले हैं, और KVL से हमें जो इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन से हमको इनका जो टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो मिल जाएगा। अब KVL लगाने के लिए यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एजम्पशन लेके चल रहा हूँ। मैं ये पूरा डायग्राम एक बार फिर से यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूटर ले लेता हूँ। अब इस डिस्ट्रीब्यूटर को हमने यहाँ पे ए पॉइंट पे फिट किया है और बी पॉइंट से हमने यहाँ पे टेपिंग ली है और सिमिलरली सी पॉइंट पे हमने यहाँ पे टेपिंग ली है, बराबर। तो अब यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो टोटल करंट मैंने यहाँ पे सप्लाई किया है पॉइंट ए पे, ठीक है, और वो टोटल करंट है आई ए, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ए है। तो ये टोटल करंट मेरा है आई ए बी, ठीक है, जो कि जा रहा है ए से बी की तरफ। अब बी पे हमने क्या किया है, 120 एम्पियर का टेपिंग लिया है। तो बी और सी के बीच में जो मेरा करंट यहाँ पे जा रहा है आई बी सी, वो हो जाएगा आई ए बी माइनस 120 एम्पियर, क्योंकि 120 एम्पियर तो हमने टेपिंग ले लिया। अब सी पॉइंट पे भी हमारा यहाँ पे 80 एम्पियर करंट जो है वो टेप किया गया है। तो सी से ए जो करंट मेरा जा रहा है आई सी ए, वो मैं बोल दूंगा कि आई ए बी माइनस 120 माइनस 80 मिलके हो जाएगा माइनस 200 एम्पियर, ठीक है। तो ये मेरा ए बी सेक्शन में, बी सी सेक्शन में और सी ए सेक्शन में कितने करंट है वो मुझे मिल गया। अब मैं इस पूरे लूप में केवीएल अप्लाई करने वाला हूँ। तो केवीएल किस तरह से, सिंपल है, जो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका जो सम है इन द लूप विल बी जीरो, दैट इज योर केवीएल, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाय अप्लाइंग केवीएल इन द लूप वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका वोल्टेज ड्रॉप है। तो सेक्शन बाय सेक्शन हम वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि मेरा आई ए बी इंटू आर ए बी, ये मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा ए बी सेक्शन का, प्लस आई बी सी इंटू आर बी सी, ये मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा बी सी सेक्शन का, प्लस आई सी ए इंटू आर सी ए, ये मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा सी ए सेक्शन का। और इन सभी वोल्टेज ड्रॉप का जो सम होगा वो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इस पूरे पाथ में हमें कहीं पे वोल्टेज सोर्स नहीं दिया है। तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका सम जो है वो अकॉर्डिंग टू केवीएल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। आई ए बी का वैल्यू हमें नहीं पता है तो आई ए बी रखते हैं। आर ए बी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, पिछले स्लाइड में हमने कैलकुलेट किया था, वो था हमारा 0.09। तो ये आ गया 0.09 प्लस आई बी सी। अब आई बी सी हमने यहाँ पे निकाला है, ये है हमारा आई ए बी माइनस 120, और आर बी सी हमने पिछले स्लाइड में निकाला था जो कि था 0.03। तो ये आ गया 0.03 प्लस आई सी ए हमने निकाला था जो था आई ए बी माइनस 200, और आर सी ए जो हमने पिछले स्लाइड में निकाला था वो था 0.06। सो इंटू 0.06 इक्वल टू जीरो, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे करते हैं तो ये आ जाएगा 0.09 इंटू आई ए बी, प्लस इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो यह है 0.03 इंटू आई ए बी माइनस 120 इंटू 0.03 अगर हम करते हैं तो वो मिलता है 3.6 प्लस यहाँ पे 0.06 आई ए बी आ जाएगा, और 200 इंटू 0.06 मिल जाएगा हमें 12, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अब इन सब का सम कर लेते हैं। आई ए बी का जो सम है वो हो जाएगा 0.09 प्लस 3 प्लस 6, सो दैट इज 0.18 आई ए बी, और इनका जो सम आ जाएगा 15.6 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो हमारा आई ए बी निकलेगा वो हो जाएगा 15.6 डिवाइड बाई 0.18, तो ये हमें मिल जाएगा 86.67 एम्पियर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें आई ए बी की वैल्यू मिल गई है। अगर आई ए बी की वैल्यू मिल गई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई ए बी जो है वो है मेरा 86.67 एम्पियर। तो मेरा जो आई बी सी है, आई बी सी मतलब करंट फ्लोइंग फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, तो आई बी सी का वैल्यू आ जाएगा आई ए बी माइनस 120। तो ये 86.67 माइनस 120 अगर हम करें, 86.67 माइनस 120 ये हमें देगा माइनस 33.33 एम्पियर। अब इसका सिंपल मतलब है, क्यों ये करंट माइनस आया, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो हमने गलत कंसीडर किया था, इसीलिए अब ये जो करंट है वो बी से सी फ्लो नहीं कर रहा है। इसका सिंपल मतलब है कि करंट फ्लोज फ्रॉम सी टू बी, और वो कितना करंट होगा, ये जो है करंट 33.33 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो हमने जो करंट डायरेक्शन एज्यूम की थी वो एज्यूम की थी बी से सी, पर हमें जो वैल्यू मिली वो नेगेटिव मिली। इसका मतलब यह है कि जो करंट का एक्चुअल डायरेक्शन है वो है सी टू बी, ठीक है।
अब इसी तरह से हम निकाल देते हैं ICA, ICA हो जाएगा हमारा IAB -200, IAB का वैल्यू है 86.67 माइनस 200, ये आ जाएगा हमारा 113 माइनस 113.33 एम्पियर। अब ये वैल्यू भी हमें क्या मिली है, नेगेटिव मिली है। इसका मतलब कि हमारा जो करंट डायरेक्शन हमने सी से ए लिया था वो करंट डायरेक्शन नहीं है, हमारा करंट डायरेक्शन बन जाएगा ए टू सी, ठीक है। तो ए टू सी हमारा हो जाएगा 113.33 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे पिक्चर बना है रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर का, जो हमारा यहाँ पे पिक्चर बना है वो कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। ये मेरा रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर है। अब इसमें ए पॉइंट से हमारा करंट जा रहा है, हमारा करंट जा रहा है, और यहाँ पे जो हमारा ए पॉइंट है वोल्टेज है 240 वोल्ट। यहाँ से जो करंट जा रहा है IAB वो जा रहा है 86.67 एम्पियर, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो है 113.33 एम्पियर। यहाँ से C पॉइंट से हमने टेपिंग लिया है 80 एम्पियर का, राइट। और B पॉइंट से हमारा जो करंट जा रहा है वो है 120 एम्पियर, और B टू C करंट हमारा जो जा रहा है B टू C सॉरी देख लेते एक बार हाँ C टू B अब हमारा जो करंट जा रहा है वो B टू C नहीं है, क्या है, C टू B है। करंट हमारा है C टू B, वो है 33.33 एम्पियर। तो ये पूरा पिक्चर बना है। अब हमें यहाँ पे सभी सेक्शंस के करंट तो मिल गए हैं, बट हमें और क्या यहाँ पे फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वोल्टेज एट पॉइंट B एंड C। तो हमें B और C पॉइंट पे वोल्टेज फाइंड करना है, तो उसका भी हम एक सिंपल सा KVL लगा देते हैं, क्योंकि हमें VA पॉइंट का वोल्टेज पता है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ VA माइनस जो पूरा ड्रॉप हो रहा है B की तरफ, ठीक है, माइनस IAB इंटू RAB, ये मुझे मिल जाएगा B पे पोटेंशियल, ठीक है। तो मैं इतना पाथ कंसिडर कर रहा हूँ ऐसे B का, इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस पूरा ड्रॉप अगर मैं निकाल दूँ तो बी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा। तो वी बी आ जाएगा 240 माइनस जो मेरा करंट है 86.67 इंटू जो मेरा रेजिस्टेंस है आई गेस RAB हमने 0.09 निकाला था, यस 0.09 इंटू 0.09। अगर इसको हम सिंपली कैलकुलेट कर ले, 240 माइनस 86.67 इंटू 0.09, तो ये हमें मिल जाएगा 232.2, ठीक है। तो ये हमारा VB आ गया। अब VB से भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम सिंपल ये भी लगा सकते हैं VA माइनस IAC इंटू RAC अगर हम करें तो हमें ये C पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाएगा। तो VA है 240 माइनस IAC है हमारा 113.33, और RAC हमने निकाला था 0.06, ठीक है 0.06। और अगर यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो फटाफट, 240 माइनस 113.33 इंटू 0.06, तो ये हमें मिल जाएगा अगेन 233.2 वोल्ट। तो ये हमें मिल गया वोल्टेज ड्रॉप एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी। तो यह है पूरा आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखने जाए तो बहुत ही ईजी एंड सिंपल एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने इसको स्टेप बाय स्टेप किया है, तो इसमें हमें टाइम भी ज़्यादा लगा है। आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा भी लगा होगा, पर मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह से जा रहे हैं तो इससे आपका जो नेटवर्क का बेसिक्स है वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और जो आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करते थे एग्जाम्पल सोल्व करने के लिए वो भी अब कम होती जाएगी, राइट। तो इसीलिए हम पूरा जो एग्जाम्पल है वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी डाउट रह रहा है, डेफिनेटली आप मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, वहाँ पे आप मुझे DM कर दो, LinkedIn पे आप मुझे DM कर दो, वहाँ पे मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है देन यू कैन डेफिनेटली पुट द कमेंट इन दिस वीडियो। एंड बिफोर वी एंड दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू लाइक दिस वीडियो, टू शेयर दिस वीडियो एंड टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और यही एक मेरा मोटिवेशन फैक्टर है कि इतनी मेहनत करके मैं सारे वीडियोज आपकी तरफ लाऊँ और आप कुछ अच्छा यहाँ से सीख के जाए। आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम और कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, सो दैट के आपके एग्जाम के जितने भी डाउट्स है वो यहाँ से ही क्लियर हो जाए और आपको और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो विद दैट लेट्स एंड दिस वीडियो एंड विल मीट यू सून।